हेलो फ्रेंड्स, टेक्यू टेबल आप लोग का फिर स्वागत है। आज हमारे पास आ गया प्रिंटर फिर से एप्सन L360। चलिए हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। लाइन देते हैं यहाँ से, देखिए ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम। बंद किए, फिर से चालू करते हैं प्रिंटर को, देखिए ऐसा आ रहा है कि इसमें दिक्कत आ रहा है कि लग रहा है कि मोटर केबल जो है कटा हुआ है या कुछ भी मतलब हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं, स्कैनर को हटाते हैं। देखिए दोस्तों, चूहा सब कटा हुआ है, इनकोडर स्टिक बोलते हैं उसको, ये भी कटा हुआ है। हेड केबल देखिए, ये भी कटा हुआ है। बेल्ट देखिए, बेल्ट भी कटा हुआ है। इसकी वजह से ऐसा मतलब कि हो रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम लोग हेड केबल चेंज करते हैं, कैसे हम लोग बेल्ट बदलते हैं। वहाँ से जाकर इस वीडियो में हम वो वाला दोनों वीडियो का लिंक हम इसमें दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा कैसे कैसे मतलब हेड केबल लगता है, कैसे इनकोडर लगता है, कैसे ये सब इनकोडर ये बेल्ट कैसे लगेगा। हम उसमें स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, जाकर उस वीडियो से जल्दी से आप लोग देखिए, वहाँ से सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।